श्री राम समर्थ अक्टूबर 11। भगवान के पास निवास रखने पर वासना रहती ही नहीं। कोई बहुत बड़ा दुष्ट मनुष्य हो तो हम कहते हैं कि पिछले जन्म में वह कसाई होगा, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। मनुष्य को वासना के कारण जन्म प्राप्त होता है, कर्म के कारण नहीं। अतः कर्म कभी भी टालना नहीं चाहिए। वह करने के लिए जो वासना होती है उसे टालना चाहिए। कर्म कभी भी बाधा नहीं बनता, कर्म का हेतु बाधा होता है। अधिकारी के आगे सिपाही चलता है, वैसे कैदी के आगे भी चलता है, किंतु इसमें जो फर्क है वही संत की और हमारी वासना में है। हम विषय को वासना की खाद डालते हैं और विषय में ही फंस जाते हैं। सत्संग के बिना वासना का क्षय नहीं होगा। संगति से मन पर परिणाम होता है। वासना किसी भी अन्य उपायों से तृप्त होने वाली नहीं है। भगवान के पास ही हमारा निवास रखेंगे तभी वह होगी। वासना का मतलब है विषय के पास का वास यानी निवास, और ना यानी नहीं, अर्थात वास ना यानी निवास नहीं। प्रातः काल से शाम तक, रात तक वासना के कारण सभी कर्म एक दूसरे में अटक गए हैं। वृद्ध और युवक दोनों की वासना समान ही है। मैं अब ऊब गया हूँ ऐसा कहने पर भी वासना हमें नहीं छोड़ती, और मृत्यु के बाद भी वासना हमारे साथ आती है। जैसे परमात्मा चिरंजीव है, वैसे वासना भी चिरंजीव है। वासना या लोभ की तीन अवस्थाएं हैं। एक है आस, दूसरी है हवस और तीसरे है लगन। आस का मतलब है कोई वस्तु प्राप्त होने की इच्छा होना। हवस में हमें लगता है कि वह वस्तु हमारे पास निरंतर हो, और लगन में हमें उस वस्तु के बिना कुछ सूझता ही नहीं। बहुत बड़ा पेड़ यदि काटना हो तो पहले उसकी शाखाएं तोड़नी पड़ती है, फिर बाद में तना काटा जाता है। उसी प्रकार यदि वासना रूपी वृक्ष काटना हो तो पहले उसकी शाखाएं यानी यह चाहिए वह नहीं चाहिए ऐसे विचार तोड़े, और अंत में वासना तोड़े। जो कुछ हम मांगना चाहते हैं वह भगवान के पास मांगे, और उसने यदि वह नहीं दिया तो समझना चाहिए वह हमारे हित की बात नहीं है। ऐसी बुद्धि हम में पैदा होगी, उसी से वासना का क्षय होगा, और जब वासना पूर्ण नष्ट होगी तब बुद्धि भगवत स्वरूप होगी। कुछ भी न करते हुए परमार्थ प्राप्ति होगी, क्या आप इसे इतनी आसान और सहज समझते? उसके लिए कम से कम बुरी वासनाएं तो नष्ट होनी चाहिए ना, और अच्छी वासनाएं भी नीति धर्म के अनुसार जितनी हो उन्हीं को हम भोगे। रईसों की जरूरतें मरते दम तक पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी वासना बहुत अधिक होती है। काल हमें आशा के बंधन में बांध रखता है और अंत तक सुख न देते हुए हमारी आयु समाप्त करता है। जीवन जीते समय जो वासना शून्य हो जाता है उसे सुख दुख नहीं होता। हम अपने घर में अतिथि की तरह निवास करें, ऐसा रहने से वासना क्षीण होगी। आज के मुख्य विचार, राम ही सबका कर्ता है मानकर नाम में रहने का प्रयत्न करो, तब वासना की डंक ही टूट जाएगी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.